आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशनों के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ी कहें, जनरेशन कहें, एक ही बात है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स सन 1942 से 1956 तक रहे। इस समय में जिन कंप्यूटरों को बनाया गया था वो कुछ इस तरह से हैं। प्रथम था एनिक कंप्यूटर्स, दूसरा था एडविक कंप्यूटर, तीसरा था एनसिक कंप्यूटर, जो एडसिक कंप्यूटर है, चौथा था यूनिवेक कंप्यूटर, और पांचवा था आईबीएम 701। एनिक कंप्यूटर का विकास और निर्माण किस काम में आता था? जो फौजी भाई थे उनकी तोपखानों तथा फायरिंग टेबलों की देखरेख किया करते थे उनसे, एनिक जो कंप्यूटर थे उनसे। दूसरा थे एडविक कंप्यूटर, तीसरा एडसिंक कंप्यूटर जिसका निर्माण 1949 में किया गया था, और चौथा था एनीवेक कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। इनमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत हीट पैदा करते थे, बहुत गर्म हो जाते थे। और इनका साइज बहुत बड़ा था, इनकी रख रखाव के लिए काफी जगह की जरूरत पड़ती थी, और ये बिजली बहुत मात्रा में खपत करते थे, बहुत ज्यादा बिजली खर्च हुआ करती थी। अब चलते हैं हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। इनका समय 1956 से लेकर 1965 तक रहा। इस समय के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट पीढ़ी में चलता था वैक्यूम का, और अब चल रही है सेकेंड जनरेशन, उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बिजली की खपत कम करते थे। और जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्राइमरी मेमोरी का भी इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, जैसे कि आईबीएम 7030, नंबर दो हनीवेल 400, नंबर तीन CDC 1604, और भी कई कंप्यूटर इस समय में बनाए गए थे। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ खास विशेषताएं थी। इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था,
अब पहली पीढ़ी की अपेक्षा जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका साइज कुछ छोटा था और ये फर्स्ट पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत कम गर्म होते थे और तेजी से काम करते थे और ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बिजली की खपत बहुत कम करते थे और इनकी प्रोसेसिंग कार्य करने की क्षमता बहुत तेज थी प्रथम कंप्यूटरों से। और इस समय में प्रिंटर भी आ चुके थे, इसमें प्रिंटर का भी प्रयोग किया गया था। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। और अब हम चलते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1965 से लेकर 1975 तक रहा। इनमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटर सर्किट का इस्तेमाल होने लगा था। पहले द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर चलते थे और तृतीय पीढ़ी में जैसे आए तो इंटीग्रेटर सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया गया था और जो आईसी चिप होती है उसमें सिलिकॉन लगा था, सिलिकॉन से इनको बनाया जाता था। और जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे इस जनरेशन में कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाने लगा था, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। और इस समय में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना, उनमें स्कैनर का भी आविष्कार हो चुका था। और इस समय में तृतीय पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ था, जिनमें से IBM 360, IBM 370 CDC 60, CDC 660, 660 और PDP 8 और PDP 11 ये कंप्यूटर बने थे तृतीय पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटरों की कुछ विशेषताएं इस तरह से थी, इनमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, ये बहुत कम गर्म हुआ करते थे, ये बहुत तेजी से कार्य करते थे, ये बिजली की खपत बहुत कम किया करते थे और इनको कीबोर्ड से चलाया जाता था। ये थे आपके तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स। अब आते हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों पर। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो सन 1975 से लेके 1989 तक चले। और इस समय चतुर्थ जो पीढ़ी थी ना, उस समय माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी, जो हजारों आईसी चिपों के काम को अकेले किया करते थे माइक्रो प्रोसेसर। और पहला माइक्रो चिप 1971 में बनाया गया था। और इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होने के कारण इनको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। और चतुर्थ पीढ़ी में काफी कंप्यूटरों का निर्माण हुआ था, जिनमें CRAY फर्स्ट, CRAY 11, एप्पल 11,
और भी काफ़ी कंप्यूटरों का समय विकास हो चुका था, निर्माण भी हुआ था। इनकी विशेषताएं कुछ इस तरह की थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर सस्ते हुआ करते थे, इनका आकार बहुत छोटा होता था और इनमें मेमोरी की क्षमता बहुत अधिक थी। अब चलते हैं पांचवी पीढ़ी की ओर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से आज तक जो चल रही हैं वो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर चल रहे हैं। इस समय में एक नई टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई थी जिसका नाम था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर कहते थे। इस समय के जो कंप्यूटर हैं IBM नोटबुक, परम, पेंटियम, इन कंप्यूटरों की विशेषताएं बहुत बेहतरीन हैं। इस समय में कंप्यूटर विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉम आदि आदि बहुत सारे हैं, और इनमें इंटरनेट चलाने की बहुत बेहतरीन सुविधाएं थी, मल्टीमीडिया गाने सुनने की फैसिलिटी। और इनमें फिल्म मेकिंग करने की क्षमता, फिल्म बनाना, एडिटिंग करना। और भी कई तरह की इनमें विशेषताएं रहती थी। बहुत बेहतरीन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रही हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू ऑल ऑफ फ्रेंड।